अस्सलाम वालेकुम, पात न्यूज़ जॉब्स में खुश आमदीद। दोस्तों, नई लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट के साथ हाज़िर हूँ मैं। ये पाकिस्तान नेवी में ये जॉब्स आई हैं, ये बेशुमार भर्तियाँ हैं, इसमें नया इश्तहार है। वह मैं आप एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। ये कहते हैं ज्वाइन पाकिस्तान नेवी। अच्छा, अपनी ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ये वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और ये एडवर्टाइजमेंट आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। ये थे एज अ पी एन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन टर्म 2023 ए तहत इश्तहार है हुए, तो इस सीट पे आप अप्लाई करना करने के लिए ये क्राइटेरिया देख लें आप। वो बता रहे यतम जुलाई 2023 तक आपकी जो एज है वो यही 16.5 से 31 साल होनी चाहिए अगर आप सिविलियन हैं। अगर सर्विस कैंडिडेट हैं फौज में है ऑलरेडी, तो फिर आपकी एज 17 से 23 साल हो। फिर नीचे हाइट भी बताई हुई है, हाइट आपकी 5 फुट और 4 इंच होनी चाहिए था मस्तम, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप एजुकेशन भी देख लें, इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक और FSC या ओ लेवल उसमें कम अज़ कम 60% मार्क्स लिए हों। नीचे भी सब्जेक्ट बताए हुए, नीचे भी इन सब्जेक्ट में फिजिक्स हो, मैथ हो और केमिस्ट्री हो, यानी ये सब्जेक्ट हो आप पे मैट्रिक और FSC में, तो फिर आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। या फिर फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है फिजिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स, ये तीन मजमून हैं आप मैट्रिक और FSC में, फिर भी आप अप्लाई दे सकते हैं। दोबारा फिर देख लें, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री है तो फिर भी आप अप्लाई दे सकते हैं। फिजिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस फिर भी अप्लाई दे सकते हैं। फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स है फिर भी आप अप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा और तीन मजामीन हैं तो फिर आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें जो बायो वाले हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसमें बायो नहीं दिया हुआ, तो बायोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं हैं। अब देखते हैं कैंडिडेट जो हैं वो ओ लेवल वाले हैं, तो उन्हें चाहिए वो अपना इतुलन सर्टिफिकेट भी जमा करवाएं। और FSC पास एंड अपीयर इन कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पार्ट फर्स्ट। वो बता रहे जो ऐसे हैं जिन तक FSC पार्ट फर्स्ट में 65% मार्क्स आए हैं और पार्ट टू तो उन्होंने इम्तिहान दिया हुआ है या इम्तिहान दे रहे हैं, रिज़ल्ट वेटिंग पे है, ये इम्तिहान देने वाले हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे उन्होंने बता दिया है हाउएवर ताहम उन्होंने जो है ना अपना सर्टिफिकेट भी साथ अपने इंस्टीट्यूट से लेना है कि आप जो है ना पढ़ भी रहे हैं आधे भी इतने मार्क्स आप ले सकते हैं। फिर बता दिए कम्प्लीशन ऑफ FSC, आपने FSC भी तलीम वो पूरी करनी है एग्ज़ाम में 1 जुलाई 2023 से पहले पहले आप, ये लाजमी है आप FSC पार से आप क्लियर कर लें। नीचे फिर बता दिए उन्होंने अदर कैंडिडेट 60% मार्क्स नहीं ले सकता तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी 65% हैं उसके बाद जो है ना आप सेकंड पार्ट में 50% ले लेते हैं, 50 और 65 इसी एवरेज जो है 60 से कम बनती है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, आप पहले 65% हैं फिर बाद में आप 55% ले लेते हैं, तो ये फिर ये दोनों आप इन दो जमा करें तो ये 120% हो जाते हैं, तो डिवाइड करें ये 60% बनते हैं। तो अगर 55% से थोड़े लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। नीचे उन्होंने बता दिए मतलब आप ज्वाइन पॉप नेवी डॉट GOV.PT से इस लिंक पे आप जो है ना अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर नीचे उन्होंने बता दिया अगर आप इन शहरों के आस पास रहते हैं तो वहाँ से आप सिलेक्शन सेंटर से भी आप ये जो है ना जाके विजिट कर सकते हैं, या जब आपका टेस्ट होगा उस शहर में भी आप बुलाया जाएगा।
जो आप थ्री बजे से एबटाबाद है, डेर अजमेर खान, फैसलाबाद, इस तरह दिल दिल बल्तिस्तान में रहने वाले दिल दिल गवादर, हैदराबाद, कराची, सारिया, इस तरह खुजदार, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पिशावर, कोटा, रावलपिंडी, रहीमजर खान, सियालकोट, सवात, सत्थर, शहीद बेनज़ीर आबाद। तो यानी यहाँ के आसपास जो उस डिवीज़न में आते हैं या वो डिवीज़न उनसे थ्री पड़ता है, तो वो वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर में जा सकते हैं। तो ये है इस लिंक से, ये मैंने अपनी वेबसाइट पे दे दिया है, आप इस लिंक पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये तो ये नीचे लेटेस्ट एड्स आया हुआ है, 8 PN/BH 2023A, तो आपने इस पे क्लिक करना है। ये तो इस पे जब आप आते हैं तो ये सामने एडवर्टाइजमेंट आती हुई जो मैंने आपको बताई है। तो नंबर नीचे दो पे है, ये क्राइटेरिया आया हुआ है, क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, ये उसी में भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, ये आपने फिल करना है, यहाँ पे अपनी ब्रांच देनी है नीचे, और फिर ये यहाँ पे इस तरह ये सारी चीज़ें दी हुई, यहाँ पे ये फॉर्म फिल करें, नीचे अपने मैट्रिक, FSC से मार्क्स वो इंटर करें, अपना नाम, NIC नंबर या फॉर्म बी नंबर दिया हुआ है बे फॉर्म में वो नंबर देना है, अपने डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सबमिट फॉर्म कर देना है। तो इस तरह से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये थी मेरी दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और मेरी लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, साथ ही जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।